तो गाइज़ अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो और गाइज़ आप अगर एडिटिंग सीखना चाहते हो तो जी हाँ गाइज़ आप जो है एक बहुत ही सही वीडियो के अंदर आ चुके हो। तो गाइज़ अगर आप जो है सच में वीडियो एडिटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो गाइज़ मैं आपसे जो है एक ही गुजारिश करूँगा कि आप जो है गाइज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करो। गाइज़ ये वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा ज़रूर होगा, पर गाइज़ आप जो है अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो गाइज़ मैं आपको जो है ये कह सकता हूँ कि आप जो है एक अच्छी खासी एडिटिंग सीख सकते हो वीडियो में करने के लिए। तो गाइज़ हम जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी ऐप जिसके अंदर गाइज़ आप फुल एडिटिंग सीख सकते हो। तो गाइज़ वीडियो एडिटिंग करने के लिए दो ऐप्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, एक काइन मास्टर है और दूसरा इनशॉट है। तो गाइज़ काइन मास्टर की जो है बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो। और गाइज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनशॉट ऐप के अंदर जितनी भी एडिटिंग की चीज़ें होती हैं, गाइज़ इसके अंदर आप जितनी भी एडिटिंग कर सकते हो वो सब एडिटिंग हम आपको बताएंगे। और गाइज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप आगे पूरा देखोगे तो गाइज़ आप 100% जो है पूरा का पूरा एडिटिंग जो है इस ऐप के अंदर आप सीख सकते हो। तो गाइज़ जब इस ऐप को आप इस तरीके से ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद इस तरीके का डेस्कटॉप खुलेगा। गाइज़ यहाँ पर जो है आपको वीडियो के अंदर क्लिक कर देना है क्योंकि आपको जो है वीडियो एडिटिंग करनी है। इस तरीके से गाइज़ जो है आप जब वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको जो है न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और इस तरीके से गाइज़ आप देख सकते हो ऊपर के साइड में जो है आपको जो है तीन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, वीडियो, फ़ोटो और ऑल का। तो गाइज़ आपको जो है वीडियो एडिटिंग करनी है इसलिए वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है यहाँ पर आकर के अपना जो है वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरीके से वीडियो सेलेक्ट करने के बाद नीचे के साइड में आपको जो है ग्रीन कलर के सर्कल में आपको जो है एरो दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से गाइज़ क्लिक कर देने के बाद गाइज़ जब आप अपना वीडियो सेलेक्ट कर लोगे तो इस तरीके से जो है वो वीडियो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे के साइड में बहुत सारे फीचर्स आपको जो है एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो गाइज़ इन सभी जो है फ़ीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा और ये गाइज़ मैं बताऊँगा कि इस फ़ीचर को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और कौन कौन से फ़ीचर्स जो हैं जो आपको हर रोज़ जो है हर वक्त काम आने वाले हैं अपने वीडियो एडिटिंग में। तो गाइज़ इसके लिए जो है आपको सबसे पहले गाइज़ एक ऑप्शन आता है, गाइज मैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जाऊंगा इसलिए जो है गाइज अब बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो गाइज पहले ऑप्शन आता है कैनवस का, तो गाइज कैनवस के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गाइज कुछ इस तरीके से आप वीडियो को जो है जूम कर सकते हो और इस तरीके से गाइज उसको छोटा कर सकते हो। तो गाइज ये आप अपने वीडियो में अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद गाइज नीचे के साइड में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट और राइट करने का भी दो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही साथ गाइज आप देख सकते हो एक ही साथ आप जो है पूरा इस वीडियो को जूम कर सकते हो और जो है कम जो है मेन साइज में भी आप इसको कर सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उसी के साथ साथ गाइज नीचे साइड में जो है अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर साइज दिए गए हैं। तो गाइज कैनवस के अंदर जो है आप जो है किसी भी जो है वीडियो के साइज को छोटा या फिर बड़ा आप अपने वीडियो के हिसाब से जो है इसको आप कर सकते हो। तो गाइज हम जो है अपने वीडियो को अपने हिसाब से जो है इस तरीके से कर लेते हैं और इस तरीके से गाइज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज कैनवस के अंदर आप इतना कर सकते हो। उसके बाद गाइज ऑप्शन आता है म्यूजिक का, आपको जो है म्यूजिक वाले ऑप्शन के अंदर हम इस तरीके से चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, म्यूजिक, इफेक्ट्स और रिकॉर्ड का। अगर गाइज म्यूजिक के अंदर हम चलें तो गाइज यहां से आप जो है कोई भी अपना जो है म्यूजिक आप इंपोर्ट कर सकते हो कि कहीं से भी गाइज आप जो है कोई भी म्यूजिक उठा सकते हो। माय म्यूजिक के अंदर गाइज आप जाओगे तो जो आपकी मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगी वो कॉल रिकॉर्डिंग्स गाइज यहां पर आ जाएंगी। और गाइज अगर आप जो है इनमें से किसी भी जो है कॉल रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट करोगे तो इस कॉल रिकॉर्डिंग में जितनी भी बातें हुई हैं वो सारी बातें जो है आपके उस वीडियो में जाकर के सेलेक्ट हो जाएंगी। तो गाइज आप माई म्यूजिक के अंदर ये कर सकते हो। इफेक्ट्स के अंदर गाइज आप चलोगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें यार यहाँ पे गाइज दी गई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो है गाइज आप अपने हिसाब से गाइज इन वॉइसेस को जो है आप एडिट कर सकते हो, अपने जो है वीडियो के अंदर जो है ला सकते हो। तो गाइज़ आप जो है इफ़ेक्ट्स के अंदर जो है कुछ इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। उस तरीके से गाइज़ अब हम स्टिकर्स के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं, तो स्टिकर्स के अंदर भी गाइज़ तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टिकर्स, टेक्स्ट और डेंटल का। तो गाइज़ स्टिकर्स के ऑप्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो है गाइज़ आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इन स्टिकर्स का इस्तेमाल भी गाइज़ आप अपने वीडियो में अपने हिसाब से कर सकते हो। तो गाइज़ अब जो है हम अब इसके बाद जाते हैं टेक्स्ट में। अगर गाइज़ आपको जो है अपने वीडियो में कुछ भी अगर लिखना है, जैसे कि गाइज़ अगर
हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में अगर हमें जो है वेलकम ही लिखना है तो गाइस इस तरीके से आप टेक्स्ट कर सकते हो। और इस तरीके से जो है इसको लिखने के बाद आप जो है इसमें मोशन वगैरह भी जो है गाइस यहाँ पर आकर के इस तरीके से गाइस सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस बहुत तरीके के यहाँ पर मोशंस दिए गए हैं, उसके बाद गाइस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद गाइस आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है जिस सेकेंड पर या फिर जिस मिनट पर इस वेलकम को लिखना है रखना है आप जो है उसको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। और कितने देर तक आपको गाइस इसको रखना है वो भी आप गाइस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आप ये कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर ऑप्शन आता है डेंटल का। अगर गाइस हम डेंटल के अंदर आ जाएं तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप मान लो आप कोई वीडियो बनाते हो तो गाइस उस वीडियो को बनाते वक्त बहुत सारी जो है ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जिनको आप जो है बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते हो किसी से। तो गाइस मान लो हमारा जो है यहाँ पर इस जगह पे कोई ऐसी पर्सनल चीज़ है जो हम किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप जो है यहाँ पर ला करके आप डेंटल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे और यहाँ से जो भी जो है गाइस आप ब्लर यहाँ से ऐड करना चाहते हो वो ब्लर आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है एरो वाले मार्क के ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हो। और उसके बाद गाइस कुछ ही सेकंड की वो चीज़ होती है जो चीज़ आप जो है आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो। तो गाइस वो चीज़ जितने सेकंड की है आप जो है उस सेकंड तक यहाँ पर आ सकते हो। आकर के गाइस आप जो है उसको स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट करके उस चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ है आप उसको डिलीट कर सकते हो। और डिलीट करने के बाद गाइस अब जब आप इस वीडियो को प्ले करोगे तो उस सेकेंड तक जो भी चीज़ गाइस होगी वो जो है ब्लर हो जाएगी, जिसकी वजह से गाइस जो भी आपका पर्सनल चीज़ होगा वो कोई नहीं देख पाएगा। तो गाइस वो जो पर्सनल चीज़ आपकी होगी वो कितना हो बड़ी होगी या छोटी होगी आप जो है उसको इस तरीके से गाइस आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और वो अपनी पर्सनल चीज़ जो है आप वीडियो एडिट करके आप उस तरीके से छुपा सकते हो। तो गाइस ये हो गई इस तरीके की चीज़। उसके बाद गाइस हमने आपको कैनवास और म्यूज़िक और स्टिकर ये तीन चीज़ें गाइस हमने आपको बता दी। और उसके बाद गाइस स्टिकर के बाद टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है। गाइस ये टेक्स्ट का ऑप्शन जो है इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है स्टिकर के अंदर, क्योंकि गाइस स्टिकर के बगल में जो है एक टेक्स्ट का ऑप्शन है। इस टेक्स्ट के बारे में मैंने जो आपको बताया है वही जो है इस ऑप्शन, ये ऑप्शन और वो ऑप्शन दोनों एक ही हैं। तो गाइस मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में जो है ऑलरेडी बता रखा है। तो इस तरीके से गाइस ये टेक्स्ट का ऑप्शन भी आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन आता है गाइस। फिल्टर का ऑप्शन गाइस आप इस तरीके से जो है आप इसके अंदर जो है आप फिल्टर का मतलब तो गाइस आप समझते ही होगे। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप अपने किसी भी वीडियो को जो है इस तरीके से फिल्टर ऐड करके कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो ये फिल्टर का ऑप्शन है गाइस। इस फिल्टर को जो है आप अपने हिसाब से जो है इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में जो गाइस आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस बहुत सारे जो है फिल्टर्स हैं, इफेक्ट्स हैं गाइस, उन इफेक्ट्स का और फिल्टर्स का इस्तेमाल जो है आप अपने हिसाब से इस तरीके से गाइस आप इस्तेमाल, तो गाइस उनका इस्तेमाल जो है आप अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से गाइस आप कर सकते हो। तो ये गाइस हो गई फिल्टर की बात। उसके बाद गाइस आप आता है पीप का एक ऑप्शन। तो गाइस ये जो है वीडियो एडिटिंग करने में जो है गाइस सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है पीप वाला ऑप्शन। जैसे कि गाइस आप मान लो आप वीडियो बना रहे हो और वीडियो बनाते वक्त गाइस अगर जो है वीडियो बनाते वक्त मान लो आपको जो है कोई एक्स्ट्रा फोटो अगर मान लो गाइस अगर आपको ऐड करना है तो गाइस आप जो है पीप वाले ऑप्शन के अंदर गाइस जा सकते हो। और फोटो के अलावा गाइस वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो। तो गाइस हम फोटो वाले ऑप्शन के अंदर चलें तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये फोटो जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इस फोटो को जो है गाइस आप इस तरीके से करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें गाइस यहाँ पर हैं, जैसे कि आप इस जो है आप इस फोटो को कॉपी भी कर सकते हो, एक से दो कर सकते हो। इस तरीके से गाइस आप इस फोटो को जो है आप यहाँ पर आप आ करके यहाँ पर जो है क्रॉप भी कर सकते हो। क्रॉप करने के अलावा गाइस आप जो है अगर मान लो इस वीडियो में गाइस जो है कि एनिमेशन गाइस आप देना चाहते हो तो एनिमेशन में गाइस आप दे सकते हो। इस तरीके से जो वीडियो के बीच में जो गाइस फोटो आपकी आएंगी। उसके बाद जो है गाइस आपको जो है अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्री कट का। आपको जो है प्री कट के ऑप्शन के अंदर अगर गाइस आप पाओगे तो इस तरीके से आप जो है किसी भी वीडियो को बीच में से दाएँ से बाएँ से या इधर उधर से जाए गाइस ये कटिंग का ये एक ऑप्शन है। उसके बाद गाइस ये एक स्प्लिट का ऑप्शन है। गाइस ये स्प्लिट वाला ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गाइस अगर मान लो आपको जो है कोई भी वीडियो अगर बना रहे हो अगर आप गाइस आप वीडियो बनाते वक्त अगर गाइस आपको जो है उस वीडियो को बीच में से अगर कट करना है कुछ सेकंड के लिए तो गाइस आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उस वीडियो को जहाँ से जहाँ तक आपको जो है कट करना है वहाँ से वहाँ तक इसको जो है इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद गाइस उस जो है कटे हुए ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर देना है और गाइस वो ऑप्शन जो है आपका गायब हो जाएगा। तो कुछ
तरीके से गाइज अगर आप अपना कोई वीडियो बना रहे हो और उस वीडियो में जो है आपको बीच बीच में से अगर कटिंग करनी है तो गाइज इसके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है कि ऑप्शन है। आप जो है 2 से 3 सेकेंड का ऑप्शन भी जो है आप 2 से 3 सेकेंड का जो है वीडियो भी आप जो है इसके अंदर कट कर सकते हो। तो गाइज ये जो है ऐप बहुत ज़्यादा अच्छा जो है गाइज ये फीचर है। उसके बाद गाइज यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, आप जो है किसी भी ऑप्शन के ऊपर किसी भी जो है कटिंग वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे गाइज वो जो है डिलीट हो जाएगा वो वीडियो। तो इसके बाद गाइज बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के ऊपर गाइज आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के गाइज बैकग्राउंड हैं, बहुत तरीके के बैकग्राउंड है गाइज। और इसके बाद गाइज यही नहीं, आप जो है अपने गैलरी के अंदर भी जा सकते हो और गैलरी के अंदर आकर भी जो है गाइज जो है कि आप डाउनलोड अगर आपने कोई जो है कि बैकग्राउंड किया है तो वो भी जो है गाइज यहाँ से आप गैलरी के अंदर आकर के सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज आप जो है कुछ इस तरीके से गाइज कर सकते हो ये चीज़। उसके बाद गाइज हम जो है बैकग्राउंड के ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद गाइज अब जो है स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर हम आते हैं। स्पीड के ऑप्शन के अंदर गाइज आप देख सकते हो आप जो है गाइज किसी भी वीडियो को जो है आप जो है स्लो मोशन में कर सकते हो और गाइज आप जो है उसका जो है मोशन बढ़ा भी सकते हो। तो गाइज ये जो है आप इसके अंदर आकर के कर सकते हो। तो गाइज अगर मान लो आप जो है ये स्टैंडर्ड है और ये कर्व है, अगर आप कर्व वाले ऑप्शन के अंदर आ जाओगे गाइज और यहाँ से गाइज कोई भी वीडियो आप सेलेक्ट करोगे तो गाइज यहाँ पर आकर के आप किसी भी वीडियो को जो है अगर आप ऊपर करोगे तो वो वीडियो गाइज फास्ट हो जाएगी और नीचे करोगे तो गाइज ये वीडियो स्लो हो जाएगी। तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हो हमने ये वीडियो स्टार्ट किया और यहाँ पर गाइज नीचे साइड में जितना गाइज उस वीडियो को आप नीचे करोगे वो वीडियो उतना स्लो मोशन में होगी और गाइज जितना किसी वीडियो को आप ऊपर करोगे वो वीडियो उतना ज़्यादा जो है गाइज आप जो है वो वीडियो उतना ही जो है फास्ट होगी। तो गाइज अब इसके बाद जो है गाइज आप बात आती है तो गाइज कुछ इस तरीके से गाइज आप जो है स्लो मोशन और फास्ट मोशन जो है यहाँ पर आप इस तरीके से गाइज आप कर सकते हो। उसके बाद गाइज अगर मान लो यहाँ पर जो है ये वीडियो यहाँ पर तो ये वीडियो गाइज बहुत ज़्यादा स्लो है और यहाँ पर गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है फास्ट है और गाइज यहाँ से यहाँ के बीच में अगर गाइज आपको ये वीडियो फास्ट करनी है स्लो करनी है तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके ऊपर गाइज क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो है उस वीडियो को जो है फास्ट कर सकते हो, नीचे साइड में करके जो है उस वीडियो को स्लो कर सकते हो, ऊपर करके जो है इस वीडियो को जो है फास्ट कर सकते हो। इस तरीके से गाइज आप जो है इस वीडियो के यहाँ से लेकर के गाइज यहाँ तक के बीच का अगर आप जो है स्लो फास्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो और ऐड करने के बाद ऊपर नीचे करके इस वीडियो को स्लो या फिर फास्ट कर सकते हो। तो गाइज आप कुछ इस तरीके से गाइज स्पीड वाले ऑप्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद गाइज एनिमेशन का ऑप्शन आता है तो एनिमेशन के ऑप्शन के अंदर गाइज बहुत सारे एनिमेशंस दिए गए हैं। तो गाइज यहाँ पे तो ये वीडियो आपका कुछ इस तरीके से आएगा जिस तरीके से भी आप अपने वीडियो को स्टार्टिंग करना चाहते हो उस तरीके से गाइज एनिमेशन के थ्रू जो है वो आ जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हो इसका फीचर जो है आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो है क्रोप का ऑप्शन आता है, क्रोप वाला ऑप्शन के बारे में आपको तो जो है गाइज बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाइज इसमें आप जो है अपने वीडियो को जो है क्रोप कर सकते हो। तो गाइज आप जैसे जिस तरीके से भी आप चाहते हो अपने वीडियो को क्रोप करना उस तरीके से गाइज आप अपने इस वीडियो को क्रोप कर सकते हो। तो हमने जो है इस वीडियो को उस तरीके से क्रॉप कर लिया है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है ऑप्शिटी का ऑप्शन आता है, ऑप्शिटी के ऑप्शन के ऊपर जो है इस तरीके से गाइज अगर आप क्लिक करोगे तो ऑप्शिटी का मतलब गाइज आप देख सकते हो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर जो है इस तरीके से दिख रहा है। तो गाइज इस ऑप्शिटी का जो है ऑप्शन आप जो है इस ऑप्शिटी का यूज़ है आप कुछ इस तरीके से गाइज आप कर सकते हो। इसका इस्तेमाल जो है गाइज सिर्फ इतना ही है। उसके बाद गाइज आप जो है उसके बगल में वैल्यूम का ऑप्शन आता है, वैल्यूम के ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज अगर आप इसको पूरा फुल कर दोगे तो आपका जो वैल्यूम फास्ट हो जाएगा, इसको अगर आप जो इस तरीके से गाइज आप लो कर दोगे तो आपका जो वैल्यूम है जो गाइज बंद हो जाएगा। तो गाइज अपने किसी भी वीडियो में जो है आप अपना आवाज़ कुछ तरीके से बढ़ा सकते हो और बंद कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको जो है इसको इस तरीके से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइज वॉइस इफेक्ट का ऑप्शन आता है। गाइज जो है हम वीडियो एडिटिंग के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं गाइज। यहाँ पर वॉइस इफेक्ट, रिफ्लेक्स, डुप्लीकेट, रिवर्स, रोटेट, फ्लिप और फ्रिज, इन सभी के बारे में जो गाइज आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो गाइज जैसा कि आप डुप्लीकेट का ऑप्शन देख रहे हो, आप डुप्लीकेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो जो वीडियो आप बनाए रहोगे सेम उसी टाइप का वीडियो जो है अगला वीडियो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा अपने आप। उसके बाद गाइज अगर आप जो है किसी वीडियो को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो यानी कि उल्टा करना चाहते हो तो आप रिवर्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और वो वीडियो जो है आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो गाइज मतलब उल्टा हो जाएगी। उसके बाद गाइज रोटेट का मतलब है किसी भी वीडियो को जो है आप जो है उल्टा सीधा जो है आप घुमा फिरा सकते हो। उसके बाद गाइज फ्लिप वाला ऑप्शन के ऊपर जो है आप गाइज क्लिक करोगे तो वो जो है इस तरीके से उल्टा या फिर जो है सीधा लेफ्ट या राइट गाइज वो होगी। उसके बाद गाइज आप देख सकते हो आप जो है वॉइस इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज अगर आप क्लिक करोगे तो गाइज एक्स्ट्रा अनवांटेड जो चीज़ें होंगी वीडियो के अंदर गाइज वो वीडियो जो है
को क्लियर जो है गाइस वीडियो की जो वॉइस होती है वो जो है वॉइस इफेक्ट जो है उसको क्लियर करने की जो है कोशिश करता है। उसके बाद फ्रिज वाला ऑप्शन के ऊपर जो है गाइस अगर हम क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हो वो जो है इस तरीके से जो वीडियो होगी जो हम जिस सेकंड पे फ्रिज करेंगे उसी का सेम टू सेम फोटो जो है हमारे सामने जो है इस तरीके से आ जाएगा, जैसा कि गाइस आप देख सकते हो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑप्शंस यहाँ पर हैं, उन सभी ऑप्शन के बारे में गाइस मैंने आपको बारी बारी जो है हर एक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको जो है मेरी बात समझ में होगी। जब गाइस आप इस तरीके से अपने जो है वीडियो को एडिट कर लोगे तो गाइस उस वीडियो को एडिट करने के बाद अब जो है गाइस अगर मान लो आप जो है कोई भी वीडियो कोई एडिटिंग कर रहे हो और उसमें जो है कोई अच्छा पार्ट है जो अच्छा पार्ट होने के बावजूद वो डिलीट हो गया है, जैसे गाइस आप देख सकते हो ये हमारा एक जो है वीडियो का पार्ट है और ये जो है हम इस तरीके से गाइस डिलीट कर देते हैं। तो गाइस अब मान लो ये डिलीट हो गया है तो गाइस अब जो है आपको कॉर्नर में एक एरो का मार्क दिख रहा होगा गाइस यहाँ पर, अगर गाइस आप इसी जो है मार्क के ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो डिलीट हुआ जो पार्ट है वो दोबारा से गाइस रिकवर हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो वो हमारा पार्ट जो है वापस से गाइस यहाँ पर आ गया है। और गाइस कुछ इस तरीके से गाइस आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस वीडियो की एडिटिंग करने के बाद अगर जो है आप इस वीडियो को जो है सेव करना चाहते हो तो गाइस किस तरीके से आप जो है कम से कम MB में इस वीडियो को सेव कर सकते हो, तो इसके लिए जो है आपको सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। 1080p 30fps इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन सभी पर आपको बारी बारी क्लिक करना है और इसको जो है बहुत ही ज़्यादा कम आपको कर देना है। कम करोगे तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो एडिटिंग है कोई इतना जो गाइस वीडियो की जो साइज़ है वो कितना कम हो चुका है। तो इस तरीके से कम करने के बाद गाइस अब जो है आपको सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके से गाइस आपका जो वीडियो है वो कम MB में जो है सेव भी हो जाएगा। तो गाइस वीडियो इन शॉर्ट ऐप के अंदर जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो आपको बता दी हैं। तो गाइस सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आएगी। गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे।